नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। बात करूंगा हमारी आवाज को रोकने की, बात करूंगा कि आपसे आपकी आजादी छीने जाने की साजिश की। लेकिन उससे पहले एक कविता। आंदोलन पहले भीतर से शुरू हुआ था, सौरभ जी की कविता है, बहुत अच्छी कविता है। आंदोलन पहले भीतर से शुरू हुआ था, फिर घर से, घर से पहुंचा सड़क पर, सड़क से मुल्कों तक, ईरान, इराक, फिलिस्तीन, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, जितने भी मुल्क हैं दुनिया में, उन सब जगह पहुंचा आंदोलन। आंदोलन आजादी, हक और अधिकार के लिए, आंदोलन आजादी, हक और अधिकार के लिए, महिलाओं, मजदूरों, बच्चों और मेहनत करने वालों के लिए, जो सींचा गया खून से, पसीने से, विचारों से, लिखा गया जिसे तख्तों पर, पोस्टरों पर, आंदोलन जिसने मुल्क बदले, तानाशाह बदले, इतिहास बदले, बंद किया खूनी खेल, प्रजातंत्र, लोकतंत्र और गणतंत्र स्थापित किया। आंदोलन ना तलवार से लड़े गए, ना तोपों, बमों और मिसाइलों से, आंदोलन लड़े गए विचारों से, बुद्धि से, अहिंसा से, व्यक्तियों और धर्मों की एकजुटता से। इसलिए डरता है तानाशाह बुद्धिजीवियों से, व्यक्तियों और धर्मों की एकजुटता से, इसलिए सबको पकड़कर जेल में ठूस दिया जाता है, किताबों, विचारों और बुद्धिजीवियों पर लगा दिया जाता है पहरा, क्योंकि डरता है तानाशाह। दोस्तों, पिछले हफ्ते 29 जुलाई को कुछ ऐसा हुआ जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। मोदी सरकार लेकर आई है ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल। एक लाइन में बताऊं तो बोलने और सवाल पूछने की आज़ादी को बंद करने का दूसरा नाम है ये ब्रॉडकास्टिंग बिल। इंटरनेट के जरिए जनता के सवाल पूछने वाली आवाज़ों को दबाने और डराने के लिए इसे लाया गया है। मगर तफसील से समझने के लिए पहले थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता को कहा जाता है। एक सच्चा पत्रकार ही किसी सरकार और उसके काम का सच्चा और सटीक रिपोर्ट कार्ड होता है, ना कि गोदी मीडिया, क्योंकि किसी भी खबर की तह तक पहुंचकर फिर उसे पूर्ण सत्य के साथ दिखाना ही उसका कर्म है। निर्भीक और निडर रहकर सरकार से जनता के सवाल पूछना उसका धर्म है। मगर बीते 10 सालों से लगभग पूरे तरीके से भारत की टीवी पत्रकारिता सरकार की गोदी में जा बैठी है, इसलिए इसे गोदी मीडिया कहा जाने लगा है। एक दो अखबारों को अपवाद मान लें तो वहां भी सबने सरकारी विज्ञापन की मलाई के लिए अपना जमीर बेच दिया है। असली खबरों के लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि सुबह से शाम तक मोदी जी का गुणगान ही बंद नहीं होता किसी भी अखबार के दफ्तर में। मगर फिर भी मणिपुर की घटना को दबाया नहीं जा सका। रोज गिरते पुल और आपस में भिड़ती रेलगाड़ियां सबको दिखाई दे रही हैं। कमर तोड़ बजट से उठता गुस्सा सड़क से संसद तक देखा जा रहा है, क्योंकि भले ही टीवी चैनल और अखबार असली खबर ना पहुंचाएं, मगर जनता तक ये खबर पहुंच रही है। कैसे? जाहिर है, इंटरनेट के माध्यम से। 2014 में जब मोदी जी ने मीडिया को अपने काम पर रखना शुरू किया, तभी से धीरे धीरे सोशल मीडिया सोसाइटी के काम में लग गई। इंटरनेट और स्मार्टफोन के आ जाने से दुनिया के किसी भी कोने का आदमी किसी दूसरे से बात करने लगा, अपनी बात बताने लगा, वीडियो बनाने लगा। शुरुआत में तो ये सब वीडियो मस्ती मजाक के लिए इस्तेमाल होते थे, जैसे टिकटॉक पर नाच गाना होता था, फेसबुक में आपस में बताते थे लोग। लेकिन जब अत्याचार बढ़ेगा तो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं आवाज़ भी बुलंद होगी। फिर सच्ची पत्रकारिता की आवाज़ फिर से बुलंद हुई, और बुलंद हुई YouTube पर। आज के दौर में लोग सही खबर जानने के लिए टीवी चैनल नहीं बदल रहे, टीवी चैनल नहीं देख रहे, टीवी चैनल नहीं चला रहे, YouTube चला रहे हैं। इसलिए तो चैनल छोड़कर YouTube से पत्रकारिता करने वाले रवीश कुमार के कुछ महीनों में मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, या ध्रुव राठी की मोदी इज डिक्टेटर वीडियो को करोड़ों लोगों ने देखा।
या फिर चुनाव के दौरान अपने सटीक विश्लेषण से आपका अपना 4PM News चैनल व्यूज के मामले में लगातार 6 महीने तक इंडिया का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल बन पाया। जब गोदी मीडिया ने ध्यान मग्न मोदी को दिखाया तो हमने फोटो खिंचवाने में मग्न मोदी को दिखाया। जब गोदी मीडिया ने राम मंदिर दिखाया तो हमने अयोध्या के लोगों के टूटे घर दिखाए। इसलिए इंटरनेट और यूट्यूब पर हो रहे इस सच्चे जर्नलिज्म का परिणाम चुनाव में देखने को मिला। बहुमत की मोदी सरकार अब एनडीए की मिलीजुली सरकार में बदल गई है और ये बात सरकार भी जान गई है। टीवी और अखबार को अपनी गोदी में बिठाकर भी उनकी मनमानी चल नहीं पा रही है क्योंकि इंटरनेट पर आज़ादी है। आज़ादी है अपनी बात रखने की और आज़ादी है अपनी मर्जी से कंटेंट देखने की। कुछ लोग इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर केवल नाच गाना देखकर भी खुश हैं, मगर इसी यूट्यूब और इंस्टाग्राम में जनता के विचारों की क्रांति भी आ रही है। बस यही क्रांति सरकार को हजम नहीं हो रही। उनको लग रहा है ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि जनता सचमुच जाग गई तो हिंदू मुसलमान के नाम पर किसको लड़वाएंगे, डरकर वोट किससे मांगेंगे, डराकर वोट किससे मांगेंगे। इसलिए सरकार ने यह नया पैतरा निकाला है जिसका नाम है ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल। कोई भी कानून बनाए जाने से पहले उसका जो मसौदा तैयार होता है उसे बिल कहते हैं। संसद में बिल पर चर्चा होती है, अगर पास हो जाए तो फिर वो कानून बन जाता है। मगर इस बिल को मैं पूरे होशो हवास में एक पैंतरा बोल रहा हूं क्योंकि शुरुआत से यह सरकार की गलत मंशा साफ जाहिर करता है। किसी भी बिल को हमेशा सार्वजनिक किया जाता है और आम जनता को सलाह देने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है, मगर चूंकि यह नया पैंतरा आम जनता की आवाज को दबाने के लिए निकला है इसलिए पहली बार बिल की कॉपी सार्वजनिक नहीं की गई। सरकार ने अपनी मर्जी और हिसाब से बस अपने लोगों को इसे दे दिया। अगर नीयत साफ होती तो ऐसा नहीं किया जाता। काश सरकार हमें अपना समझती, बिल की कॉपी देती, लेकिन नहीं मिली। जिनको मिली वहां से अलग अलग न्यूज वेबसाइट के अपने अपने विश्लेषण हैं और उनका निचोड़ आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ। 90 के दशक में जब केबल टीवी का दौर आया तब मनोरंजन के साथ साथ खबरें भी सरकारी चैनलों के दायरे से बाहर दिखाई जाने लगी। तब सरकार ने केबल टीवी रेगुलेशन एक्ट के नाम से 1995 में कानून बनाया ताकि केबल टीवी को रेगुलेट किया जा सके। मगर आज के ज़माने में टीवी ही अपने आप में एक पुरानी चीज़ जैसा होने लगा है क्योंकि मनोरंजन से लेकर खबरों तक हर कोई इंटरनेट की तरफ जा रहा है। इंटरनेट पर सरकार का कोई खास कंट्रोल नहीं है। उदाहरण देता हूँ, अमेरिका की कंपनी गूगल के प्लेटफॉर्म से मध्य प्रदेश में बैठा आदमी इंटरनेट पर कुछ भी ढूंढ सकता है। उसी तरह यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर लखनऊ से संजय शर्मा अपना चैनल बना सकते हैं और कश्मीर से कन्याकुमारी तक वाजिब सवाल दिल्ली में बैठी सरकार से कोई व्यक्ति पूछ सकता है। अब सरकार चाहती है कि इन जरूरी सवालों पर लगाम लगा दी जाए, संजय शर्मा जैसे लोगों पर लगाम लगा दिया जाए, इनका गला घोट दिया जाए। संविधान और न्यायपालिका के होते हुए सरकार ऐसा सीधा सीधा तो नहीं कर सकती, तो ब्रॉडकास्टिंग बिल के जरिए घुमाकर ऐसा करने की कोशिश कर रही है। अब टीवी और रेडियो के साथ साथ इंटरनेट पर यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे व्यक्तिगत चैनलों या फिर नेटफ्लिक्स अमेजॉन जैसे OTT प्लेटफॉर्म हो, सरकार ने सबको रेगुलेट करने की कोशिश की है। टीवी, रेडियो और इंटरनेट पर सुनाई या दिखाई देने वाले सब प्रोग्राम को सरकार ने 5 हिस्सों में बांट दिया है। केबल टीवी, रेडियो वगैरह के अलावा जो नई कैटेगरी अब जोड़ दी गई है उसका नाम है OTT ब्रॉडकास्ट सर्विस और डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर। OTT को तो आप इसके नाम से समझ गए होंगे, जैसे नेटफ्लिक्स है, प्राइम वीडियो वगैरह वगैरह। लेकिन ये डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्ट क्या है? ब्रॉडकास्टिंग बिल के हिसाब से कोई भी व्यक्ति जो न्यूज और करंट अफेयर दिखाएगा वो डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर कहलाएगा। फिर चाहे वो वेबसाइट पर लिखकर दिखाए या सोशल मीडिया पर बोलकर, यानी यूट्यूब पर चलने वाला ये 4PM चैनल तो डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर हो ही गया। अगर आप इंस्टाग्राम पर 60 सेकंड की रील बना रहे हैं और वो रील रेल दुर्घटना, नीट एग्जाम, फ्रॉड वगैरह पर है
तो आप भी ब्रॉडकास्ट बिल के हिसाब से डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर हैं, क्योंकि इस बिल के हिसाब से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई भी ताज़ा खबर या उस खबर का एनालिसिस सब न्यूज एंड करंट अफेयर माने जाएंगे। सरकार का मन लेकिन इससे भी नहीं भरा। सरकार को लगा कि कुछ भी छूट मिलनी नहीं चाहिए, किसी की जवान से सरकार के खिलाफ शब्द निकलना नहीं चाहिए। कोई भी प्रोग्राम जिसका कॉन्टेंट, परपोज या मीनिंग भी अगर किसी ताज़ा खबर की तरफ इशारा करते हैं तो वो भी न्यूज एंड करंट अफेयर है और उसको चलाने बोलने वाला डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर है। यानी अगर आप कोई स्टैंड अप कॉमेडियन, कोई स्टैंड अप कॉमेडियन मोदी जी की नोटबंदी का मजाक उड़ा दे या फिर अयोध्या में भाजपा के हारने पर चुटकुला सुना दे, जैसे वरुण ग्रोवर ने कहा था कि मैं तो रात में सोते सोते हंसने लगता हूँ ये सोचकर कि अयोध्या हार गए, तो वो भी इस दायरे में आ जाएगा। और हाँ, अगर ऐसा वो YouTube पर नहीं कर रहा, कई लाइव प्रोग्राम में बोल दे रहा है, तो भी ऐसा ही होगा, क्योंकि बिल के हिसाब से लाइव प्रोग्राम भी इस कैटेगरी में आ गए हैं। अब ये तो केवल परिभाषा की बात ही, सवाल उठता है कि अगर इस खबर को देने वाले को डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर बोला जाएगा तो इसमें समस्या क्या है। समस्या बहुत बड़ी है। हर ब्रॉडकास्टर को सरकार को अपने काम के बारे में इंटीमेट करना होगा, आपको डिटेल देनी होगी, मतलब किस टॉपिक पर वो बात करता है, किस जगह पर उसका ऑफिस है, कितने सब्सक्राइबर हैं, पैसा कहाँ से आता है, वगैरह वगैरह। अगर ये सब केवल ट्रांसपेरेंसी के लिए होता तो कोई बात नहीं थी। मैं देश का नागरिक हूँ, किसी भी और नागरिक की तरह अपने आय का एक एक पैसे का स्रोत बताना मेरा काम है, उसकी डिटेल देना काम है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं इनकम टैक्स तो देता हूँ। लेकिन यूट्यूबर्स और बाकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की कमाई तो वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आती है, सीधे सीधे डिजिटल तरीके से आती है। सरकार को पहले से पता होता है, सीधे खाते में आती है, क्योंकि YouTube और Instagram किसी के घर जाकर कैश में तो पैसा बांटेगा नहीं। सीधा मैट्रिक्स है, कंटेंट और व्यू के हिसाब से इनकम सीधे अकाउंट में क्रेडिट होती है, वो सरकार को दिखती है। तो फिर ये इन्फॉर्मेशन किसके लिए मांगी जा रही है? ताकि उन सबको पहचाना और सूचीबद्ध किया जा सके जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि जो सरकार के साथ है सरकार उनके साथ उनको गनर दे देगी, गाड़ी दे देगी, पैसे दे देगी। बस आप पूछिए प्रधानमंत्री जी से, आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। बिल के अनुसार सरकार तय करेगी कि इंटीमेशन की कंडीशन क्या होगी, यानी कौन कौन सी डिटेल देनी है। सरकार तय करेगी कितने सब्सक्राइबर होने के बाद ऐसी इंटीमेशन किस ब्रॉडकास्टर से मांगी जाएगी। सरकार ये भी अपने हिसाब से तय करेगी किसको इस तरह की इंटीमेशन देने की ज़रूरत है और किसको ज़रूरत नहीं है, मतलब 4 PM चैनल या रवीश कुमार या फिर किसी और से डिटेल्स ली जाएगी, मगर ANI के YouTube चैनल से ली जाएगी या नहीं ले जाएगी वो सरकार के मूड पर तय करेगा, क्योंकि ANI तो अपनी है भक्ति काल में रहती है। मूड शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस बिल में एज में भी प्रिस्क्राइब शब्दों का प्रयोग 50 बार से ज़्यादा बार किया गया है, जिसका मतलब है कि जब सरकार बताएगी, यानी बिल बना दिया, कल को कानून भी बना दे, लेकिन किसके लिए क्या नियम होंगे, किसके लिए क्या नियम नहीं होंगे, ये सरकार ने सोचा नहीं है, अपने मूड के हिसाब से बाद में बताएगी। यहाँ तक भी बात होती तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि जब जनता की सेवा का रास्ता चुना जाता है, जनता के सवालों के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता है, तो सरकार की आंखों में कांटे की तरह चुभना तो सच्ची पत्रकारिता का प्रमाण है, 4 PM प्रमाण है। तरह तरह की जांच एजेंसी हमारे पीछे लगाई गई, हमला हुआ, विज्ञापन बंद किए गए, STF, EOW सब कुछ किया गया, लेकिन हमने दिया, इंटीमेशन मांगे को दिया जाएगा, छुपाने को कुछ नहीं है। मगर सरकार की रेगुलेशन की गाड़ी यहाँ नहीं रुकती, ये बिल आपको एक कदम और आगे ले जाता है और वो है बोलने की आज़ादी पर हमला, सीधा हमला। क्योंकि बिल का एक पूरा चैप्टर केवल कंटेंट के रेगुलेशन के बारे में है और मजाक ये किया गया है कि उसका नाम सेल्फ रेगुलेशन रखा गया है। मतलब सरकार कह रही है कि ये हमारा हुक्म है कि अपने आप को अपने आप से सही करो, पर ये कोई बात नहीं, मगर ऐसी बात हो रही है। हर न्यूज और करंट अफेयर दिखाने वाले ब्रॉडकास्टर को एक ग्रेवनेंस रेडिसेल ऑफिसर को अपॉइंट करना पड़ेगा जो उस चैनल के कंटेंट के खिलाफ किसी भी शिकायत को सुन सके। शिकायत का दायरा प्रोग्राम कोड और एडवर्टीजमेंट कोड में दी गई कंडीशन होगी और वो कंडीशन क्या होगी ये सरकार तय करेगी। यहाँ पर मुझे पंचायत वेब सीरीज का एक डायलॉग याद आ गया, देख रहा है ना विरोध, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है।
सरकार अपने ब्रॉडकास्टिंग बिल से यही कर रही है, वरना शिकायत का मैकेनिज्म तो सोशल मीडिया में पहले से है। अगर कोई नफरत और हिंसा होकर की बात करता है तो उसे यूट्यूब या इंस्टाग्राम काफ़ी लोगों के द्वारा रिपोर्ट कर दिया जाता है। यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम उस चैनल को सस्पेंड कर देते हैं। सरकार की ज़रूरत कहाँ थी? सरकार की ज़रूरत कहीं नहीं थी, मगर सरकार को ज़रूरत है कि उसके खिलाफ सटीक सवाल पूछने वालों को कंडीशन और कंप्लेंट के मकर जाल में फंसा दिया जाए। पहले गवर्नेंस ऑफिसर शिकायत लेगा, वहाँ से शिकायत का निवारण सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन करेगी, जिसका चुनाव ब्रॉडकास्टर के बीच से होगा, मतलब वहाँ भी राजनीति होगी। उनके किसी भी फैसले की अपील ब्रॉडकास्टर एडवाइजरी काउंसिल में होगी, उसे सरकार बनाएगी, मतलब आपको उसमें सुधीर चौधरी, अंजनाम कश्यप, रूप कल्याण जैसे भक्त दिखाई देंगे। यानी ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की तरह सालों तक केस में फंसे रहने का एक बढ़िया कार्यक्रम है ये बिल। आसानी से उदाहरण से समझाता हूँ। मैं अभी दिन में कम 10-20 वीडियो बना लेता हूँ, जिसमें कभी खबर, कभी एनालिसिस, कभी इंटरव्यू के माध्यम से लगातार जनता के मुद्दे उठाता हूँ। किसी को मेरे कंटेंट से तकलीफ है तो वो YouTube पर ऑनलाइन शिकायत कर सकता है, मैं वहीं YouTube के सामने अपना पक्ष रख सकता हूँ, और ऑनलाइन ही मेरे या शिकायतकर्ता के पक्ष में YouTube अपना फैसला दे सकती है, देती भी है। लेकिन YouTube के नियम बहुत लिबरल हैं। जब तक मैं किसी को गाली नहीं दे रहा, नफरत नहीं फैला रहा, धमकी नहीं दे रहा, मुझे बोलने की आज़ादी है। मगर ब्रॉडकास्टिंग कानून के बाद क्या होगा? सरकार के बनाए नियमों के हिसाब से मुझे बोलना होगा, जो कि जाहिर है कि लिबरल नहीं होंगे, जो सरकार चाहेगी वही होंगे। फिर भी चाटुकारों को शिकायत करने की आज़ादी होगी, भक्तों को शिकायत करने की आज़ादी होगी, और उस शिकायत का निवारण चाहे मेरे पक्ष में हो, मगर उसके लिए मुझे महीनों सालों अलग अलग जगह धक्के खाने होंगे। और जब एक सच्चा यूट्यूबर या इंस्टाग्राम पत्रकार धक्के खा रहा होगा तो खबरें कौन दिखा रहा होगा? गोदी मीडिया। और खबरें दिखा नहीं रहा होगा, बना रहा होगा। सच्ची खबर जानना हर नागरिक का हक है, और ये बिल उस हक को छीन लेगा। इसलिए हमें मिलकर सरकार से सही सवाल पूछने हैं, ताकि इस खतरनाक ब्रॉडकास्टिंग बिल से खुद को और सच्चाई को बचाया जा सके। अपने अपने स्तर से इसका विरोध करिए, क्योंकि ये इस देश का सबसे खतरनाक, खौफनाक कानून है। ये देश में लोकतंत्र को ख़त्म कर देगा, ये आप तक सच नहीं आने देगा, ये किसानों की समस्या नहीं आने देगा, ये बेरोजगारी की समस्या नहीं आने देगा, ये महंगाई की समस्या नहीं आने देगा, यह आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाएगा। गोदी मीडिया के खबरें आपको दिखाएगा, जो लोग सच बोलते हैं वो आप तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए अपने स्तर से जितना विरोध कर सकते हो, सोशल मीडिया पे लिखिए, प्राइम मिनिस्टर को लिखिए, प्रेसिडेंट को लिखिए, अपनी गली मोहल्ला में विचार करिए। इस देश को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये देश खड़ा नहीं हुआ तो समझ जाइए देश से लोकतंत्र ख़त्म हो जाएगा। मुझे यकीन है इस जंग में, इस मुहिम में आप मेरा साथ देंगे, और सरकार से कहेंगे कि ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर तानाशाह नहीं कर सकता अपने मन की मानी, तानाशाह को झुकना होगा। मुझको यकीन है वो झुकेगा, और ज़रूर झुकेगा। जय हिंद।